कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ विपक्षी पार्टियां उन्हें कन्हैया कुमार अच्छा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इनशाला इंशाला कहने वाले कन्हैया कुमार को तो एक नायक की तरह प्रस्तुत किया जाता है यासीन मलिक के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है जो सरयाम कहता है कि मैंने इतने कश्मीरी पंडित मार दिए मेरा क्या हुआ सिक्कों के गलों में टायर डालकर मारने वाला जो समूह है उसे खुश किया जाता है जगदीश ट्रैक्टर जो कहता है मारे, वो, वो कमलनाथ जिसके ऊपर ये आरोप है कि गुरुद्वारा जलाने में वो सबसे आगे था वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहता है। देश को तोड़ने का सपना देखने वाली पीएफआई के नेताओं को कांग्रेस के नेता उनके केस वापस करते उनको छोड़ते लेकिन भारत माता की जय कहने वाले बजरंग बली की जय कहने वालों को गुंडो की जमात कहा जाता है भारत की सेना के अध्यक्ष को रावत साहब जैसे आज तो स्वर्गों में उनका वास हो उस रावत साहब को गली का गुंडा कहा जाता है एक अलग तरह की तुष्टीकरण की संस्कृति इस देश के अंदर उभरी है केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की जय कहने वाले देश के लिए लड़ने वालों को शब्द कहे जाते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं उनको कई दर्जन गालियों से नवाजा जाता है दुर्भाग्यपूर्ण है देश की जनता देख रही है और इसका करारा जवाब आने वाले समय में देगी बिहार में चाचा हो या यूपी में अखिलेश केसीआर हो या कोई और या ममता बनर्जी हो ये सभी हारे हुए कुंठित भ्रष्टाचारी परिवारवादी नेता जो लगातार अपनी जमीन खो बैठे हैं इस देश के अंदर लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं एक तरफ अधीर रंजन कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस की स्कोर तय करने वाली ममता बनर्जी कौन होती है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते केसीआर प्रधानमंत्री बनना लगभग डेढ़ दर्जन नेता इस देश के अंदर लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं कमजोर सरकार लाना चाहते हैं ताकि बारी बारी वो प्रधानमंत्री बन सके पर देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तगड़ी सरकार चाहती है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो तगड़ी सरकार बने पूरी तरह से गलत देश के न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बंगाल की सरकार से पूछा है कि वहां क्यों नहीं दिखानी चाहिए पचास हजार से ज्यादा बेटियों की गाथा उनके दुख की गाथा आई एस आई एस के ह्यूमन चेन को तोड़ने के लिए बनी फिल्म अपनी बेटियों को सजग व सतर्क करने की फिल्म जिन्हें ह्यूमन सलेब बनाकर वुमन सलेब बनाकर आई एस आई यहां से ले जाती थी उसके दिखाए जाने पर ममता जी आपको कष्ट क्या है क्या आप भारत की बेटियों को दर्द को समझना नहीं चाहते कि बताना नहीं चाहते कि किसी को खुश करने का प्रयास हो रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के तहत ममता बनर्जी और ऐसे नेता केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं हमें देश की बेटियों को सजग व सतर्क करना होगा ताकि वो किसी मकड़ जाल में फंसकर ह्यूमन स्लेव ना बन जाए